आज का जो वोटर है और उसकी वोट चॉइस को लेकर जितनी भी प्रिडिक्शन की जाए नाकाफी होगी, और वोटर कब अपना डिसीजन बदल दे, इवन मशीन के पास पहुंचकर बटन दबाने से पहले भी डिसीजन चेंज हो जाता है। ऐसे में जो किसी नेता के साथ बाहर जो भीड़ देखते हैं, या कोई बड़ा नेता कहीं रैली के लिए जाता है और लोग जमा होते हैं, उनमें से एक अच्छी खासी तादाद सिर्फ इसलिए जमा होती है कि ये बंदा दिखता कैसा है सामने से, क्योंकि हमने तो टीवी पे देखा है। तो हरगिज नेता लोग अपनी सारी भीड़ को लेकर उन्हें अपने फॉलोअर्स ना समझें। कुछ लोग तमाशाई होते हैं, सारे लोग सपोर्टर्स नहीं होते। और बड़े चेहरों को लेकर अनसर्टेनिटीज ज्यादा हैं कश्मीर में, खसूसन अगर बात की जाए। और हाउ इज दिस असेंबली गोइंग टू बी जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ऑलरेडी ऑप्टेड आउट, महबूबा जी बाहर हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब बाहर हैं, नहीं लड़ रहे हैं, आई मीन इलेक्शंस, द ओनली जायंट लीडर उमर अब्दुल्ला साहब लड़ रहे हैं, और गांधरबल के जो समीकरण हैं काफ़ी अभी अनसर्टन है, वहाँ पे 21 कैंडिडेट्स के बीच जीतना इतना आसान नहीं है। और एक फैक्टर जो डिस्पाइट पीडीपी को लेकर जो आक्रोश पब्लिक में था, वो मुझे धीरे धीरे करके डाइल्यूट होता जा रहा है, एंड क्रेडिट फॉर दैट डाइल्यूशन ऑफ परसेप्शन अगेंस्ट पीडीपी मोस्टली गोज टू टू लीडर्स ऑफ पीडीपी, एक महबूबा साहिबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, जून हो इट हैज़ रेजोनेटेड ऑन द ग्राउंड, एंड अनादर यूथ आइकॉन पीडीपी यूथ प्रेसिडेंट वहीदुर्रहमान परा। कैंपेनिंग का स्टाइल अगर आप दोनों नेताओं का देखें तो जो आक्रोश भी था वो भी फॉलोअरशिप में बदलता दिखा। देयरफॉर हम अभी यही कह सकते हैं कि 8 तारीख को कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। और अभी जिन पे लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, जहां ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है कि क्या होगा, जहां क्यूरियोसिटीज हैं, पब्लिक क्यूरियोसिटी जहां है, जैसे एआईपी को लेकर कितने लोग जीतेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्लेम्स तो बड़ी हैं कि स्वीप कर लेंगे नॉर्थ, लेकिन 5 या 6 सीट्स पॉसिबल लग रही हैं। सजात लोन साहब की पीसी, हाउ विल दैट फेयर, क्या होंगे उसके रिजल्ट्स, क्या अपनी सीट बचा पाएंगे सजात साहब, बड़े अच्छे नेता हैं और उनके जो अच्छे नेता हैं पार्टी में इरफान पंडित पुरी साहब, क्या वो मावर से जीत पाएंगे, बड़ा सवाल है। जो स्कोर्स ऑफ सैकड़ों इंडिपेंडेंट्स जो फ्रेम में है, तो इंडिपेंडेंट्स में कितने इंडिपेंडेंट्स अपनी सीट जीत पाएंगे, बड़ा सवाल है। और जमात इस्लामी
37 साल के लंबे उर्से बाद मैदान में है 10 कैंडिडेट्स की सूरत में, इंडिपेंडेंट्स बैक्ड बाय JEI, तो 10 में से कितने जीत पाएंगे? बड़ी क्यूरियोसिटी है ये, बड़े अनसर्टेनिटी का भी सवाल है और कीननेस भी है इन सवालों को लेकर कि कैसे बैठेंगे समीकरण। स्पेशली जो ट्रेडिशनल एस्टैब्लिश्ड पार्टीज के अगेंस्ट स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, उससे जो प्रेशर पड़ा है एस्टैब्लिश्ड पार्टीज पर, और जो एस्टैब्लिश्ड पार्टीज के मुंह से निकला है वादों की सूरत में, क्योंकि प्रेशर है पीछे लॉट ऑफ, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के पीछे 46 लोग लड़ रहे हैं, बड़गाम की अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखा जाए, गांधरबल 21, देयरफॉर प्रेशर है, और ऐसे प्रेशर में सीट निकालना, वो भी आज के मॉडर्न वोटर पे भरोसा करके, बच्चों का खेल नहीं है। एक और बड़ा सवाल ये कि जो न्यूली इमर्जेंट पार्टीज, मैं वन पार्टी लीडर कहता हूँ, वन लीडर पार्टीज कहता हूँ सॉरी, जैसे अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी पार्टी, कितने कैंडिडेट्स जीत पाएंगे? बड़ा सवाल है। जैसे JKUM ने जितने भी कैंडिडेट्स कंटेस्ट कराए हैं, क्या होंगे नंबर्स? गांधरबल से खुद लड़ रहे हैं JKUM के प्रेसिडेंट अगेंस्ट उमर अब्दुल्ला, शेख इशफाक जब्बार साहब, और बहुत सारे लीडर्स, कांग्रेस भी कहीं कहीं कश्मीर में है, जबकि कांग्रेस का एक मेजर जो अलायंस सीट्स हैं वो जम्मू में लड़ रही हैं। जम्मू में जितने भी कांग्रेस के लोग अगेंस्ट BJP लड़ रहे हैं, कितने नंबर्स वो गेन कर पाएंगे? और उससे हुकूमत बनाने में, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में कांग्रेस का योगदान कितना होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। और BJP मे विन बिग इन जम्मू, बट BJP को क्या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? डेफिनेटली पड़ेगी। तो जहाँ प्री पोल अलायंस कांग्रेस JKNC प्लस प्लस है, शायद उसमें पैंथर्स है, शायद उसमें हकीम यासीन साहब की पार्टी है, डेमोक्रेटिक फ्रंट गालिबन, तो ये तो प्री पोल है, तो पोस्ट पोल भी होना ही होना है, और उसके बाद हुकूमत बनेगी, तो क्या ये सारे मसाइल के रेजोल्यूशंस होंगे? उसके बाद मसाइल पे बैठना, मसाइल पे चिंतन करना, और जो डिलीवरी का जो प्रॉमिस है, उस प्रॉमिस को UT की असेंबली किस तरह पूरा कर पाएगी? बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो होगी उन पे जिम्मेदारियां कितनी आयद हैं, क्योंकि वो वादे सबके सब लोग बड़े बड़े वादे कर चुके हैं, जिसमें स्टेटहुड का वादा टॉप पर है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, PhD किए हुए बंदे ठेलों पे ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं, इससे अब